हालेलुया। आज आज इस नए वर्ष के प्रथम रविवार में हम आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। आइए हम प्रभु की हुजूरी में जाएं। हम सब अपने हृदय को मनों को तैयार करें। आज आप विशेष रूप से प्रभु से बोलिए कि प्रभु आज मेरे मन हृदय विचार का कब्जा लीजिए। आज प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति से तेरी भरपूरी से भरिए। हालेलुया। प्रभु से मांगिए कि प्रभु आज तो मुझे तेरी उपस्थिति से भर, कि मेरा ये जो सफर है 2021 का वो मैं तुझ में पूरा करूं। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि पिछले सालों में, पिछले वर्षों में, पिछले दिनों में आपने हमें भरपूरी से चलाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। लेकिन हम इस नए वर्ष में पहले रविवार को हम आपके सम्मुख आते हैं और हम ये कहना चाहते हैं प्रभु, आप हमारे सारे पापों अपराधों को क्षमा करिए जो हमने अपने सोच विचार के द्वारा, बोली के द्वारा, समझ व्यवहार के द्वारा, उठने बैठने के द्वारा किए हैं। हम सबको क्षमा करिए। लेकिन प्रभु आज हम तेरी उपस्थिति में, तेरे अगुवाई में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप हमारे मन हृदय विचारों का कब्जा लीजिए प्रभु। आज आप हमारी अगुवाई कीजिए, इस जगह को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। आप जहां भी बैठे हैं आज प्रभु से बोलिए कि प्रभु मेरे घर को, मैं जहां बैठी हूं उस जगह को तेरी उपस्थिति से भर दीजिए, मेरे हृदय को तेरी उपस्थिति से भर दीजिए। प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर तेरी हुजूरी नहीं, तेरी उपस्थिति नहीं, तो मेरा गाना बजाना, मेरा सब कुछ करना व्यर्थ है। प्रभु मेरे हृदय में, मेरे जीवन में, मेरे घर में मैं तुझे आमंत्रित करता हूँ। आप महिमावान परमेश्वर है। मैं सारी स्तुति और आराधना और महिमा आपको देता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप हमारे मध्य में, हम धन्यवाद करते हैं। हमारे विरुद्ध, हमारे घर के विरुद्ध, हमारे परिवारजनों के विरुद्ध, इस ऑनलाइन सर्विस के विरुद्ध शैतान की हर एक युक्तियों को हम यीशु के लहू में बांधते हैं और उसकी सारी युक्तियों को यीशु के नाम में निष्फल जाहिर करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं हर एक को प्रभु आज आप छुइए, आपका स्पर्श उनको मिले। प्रभु आज आप उनसे बात कीजिए और प्रभु हमारे द्वारा की हुई स्तुति और आराधना को स्वीकार कीजिए। आपको ही सारा आदर और मान देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर के गाएंगे, हुजूरी तेरी काफ़ी है, हुजूरी तेरी काफ़ी है। सच में प्रभु से कहेंगे कि प्रभु इस नए वर्ष में हर दिन, हर पल, हर क्षण मुझे तेरी हुजूरी चाहिए, तेरी उपस्थिति में, तेरी अगुवाई में चलना है, तेरे वचनों में चलना है। तेरे बिना मैं भटक सकता हूँ, मैं
उठाकर कहिए, यीशु तेरी हुजूरी मेरे लिए काफी है। को देखो सदा, तेरी महिमा को देखो यहाँ मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, हर एक के जीवन में मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूँ। यीशु तू ही मेरा प्रभु है और कोई भी मेरे जीवन में प्रथम नहीं, लेकिन यीशु तू ही है और मैं तेरे बिना किसकी स्तुति करूँ और किसकी महिमा करूँ। राजाओं का राजा है जो आ चुका है और फिर से आने वाला है, वो यीशु ही है जो परमेश्वर की सारी परिपूर्णता को अपने भीतर लेकर इस संसार में आ गया। आपके और मेरे लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आराधना, महिमा, आदर और सम्मान देने के लिए, और वो है यीशु मसीह। सच में प्यारों, अगर यीशु ना आता तो आज भी हमें परमेश्वर के बारे में कोई भी समझ ना होती। यीशु ने ही अपने आप को इस संसार में लाकर परमेश्वर कौन है उसे जाहिर किया है। इंसान ने अपनी मन मर्जी से उनको जो चाहता था वो बना लिया, उसकी आराधना कर ली, उसके आगे झुक गए। पर आप और मैं अंधेरे में नहीं है, क्योंकि यीशु आपके और मेरे दिलों में उजाला कर चुका है। और किसको ये 2021 में आप आराधना दोगे, सम्मान दोगे, आप खुद तय कीजिए। ये पहले रविवार की आराधना में आप और मैं जुड़े हैं प्रभु से, प्रभु से मांगे उसकी उपस्थिति में, प्रभु पूरा साल में और किसी की नहीं, तेरी भक्ति करता रहूं, तेरी महिमा करता रहूं। सुलेमान राजा ने जब मंदिर बनाया, उसको पता था उस राजा को कि इस मंदिर में परमेश्वर मैं तुझे समा नहीं सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता हूं।
प्यारो वो यीशु हमारे भीतर आ गया है, जिसने भी यीशु को अपना परमेश्वर समझा है, स्वीकार लिया है, उनके भीतर यीशु वो महिमा की आशा के रूप में है। उसकी उपस्थिति में हमें बने रहना है, उसकी आराधना करनी है, ताकि हम उसको सम्मान दे पाए। हालेलुया। और कोई योग्य नहीं है, उसको महिमा दे प्यारो। अपने आप को समर्पित करे, सिर्फ गाना गाने की खातिर ना जुड़े, ना देखे, दर्शक बनकर बैठे ना रहे। हमें पता नहीं आप में से कितने लोग सिर्फ अटेंड करते हो। हमें प्रभु यह चाहता है कि सच्चे आराधक उसकी आराधना करे। फॉर्मालिटी को पूरी ना कीजिए, अपने आप को शामिल कीजिए इस आराधना में प्यारो। वो ही आराधना के योग्य है, वो ही महिमा के योग्य है। उसके बगैर हम किसकी भक्ति करेंगे? बाकी तो सब कूड़े सब मिट जाएंगे। यीशु ही अनंत है, उसी की आराधना हम कर सकते हैं, उसी ने सबको बनाया है। हालेलुया। We worship you Lord, we glorify your name। हालेलुया। आज प्रभु से कहिए, तेरे वचनों का ध्यान करो, मैं तेरे ही जैसा बनूं। सच में प्रियो, क्योंकि हम अगर प्रभु के वचन में नहीं स्थिर रहेंगे, प्रभु के वचन हमारे जीवन में नहीं होंगे, तो हम कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन वचन ही हमारे लिए दृढ़ गढ़ के समान है, जिस पर हम हमारा बिल्डिंग को बांधेंगे तो हम खड़े रह पाएंगे, टिक पाएंगे सब परिस्थितियों के सामने। आइए कहिए, तेरे वचनों का ध्यान करो। तेरे दर्शनों के द्वारा मैं कहीं गिर ना जाऊं, फिसल ना जाऊं, मैं किसी बहकावे में ना आ जाऊं। इसलिए प्रभु, मैं अपने आप को, मेरे विचारों को, मेरे मन को, मेरी सोच को, सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। तू मेरी अगुवाई कर। आइए मांगिए।
तू ही आदर के योग्य प्रभु, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसी को महिमा दूं, सिर्फ तू ही योग्य है, योग्य है, आदर सम्मान के योग्य है, मेरी महिमा के योग्य है यशुआ। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। और कोई भी योग्य नहीं है, एक एक तू ही एकमात्र इकलौता सच्चा और जीता परमेश्वर है। तू ही आदि और अंत है, तू ही अल्फा और ओमेगा है। तूने अपने हाथों से मुझे बनाया है, तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तू मुझसे प्यार करता है, तूने मेरे जीवन को बचाया है, तू मेरा उद्धारक है, तू मेरा छुटकारा है, तू मेरा सब कुछ है। तेरे बिना और किसकी स्तुति करूं, कोई भी योग्य नहीं, लेकिन प्रभु तू योग्य है। इस धरती पर मैंने पाया है कि तू योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, सम्मान के योग्य है। तेरे बिना और मैं किसकी स्तुति करूं और किसको भजूं, मेरे आदर के, महिमा के, सम्मान के योग्य सिर्फ यीशु आप हो। सारी आदर और महिमा हम आप ही को देते हैं, आमीन, हालेलुया। सच में हमारे इस सफर में हमें सिर्फ यीशु की जरूरत है। आइए हम कहेंगे मिलकर गीत के रूप में, सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल होना कभी। हो सकता है कि ये और भी पिछले से भी ज्यादा खराब समय आए, लेकिन हमारा परमेश्वर है जो अब तक भरपूरी से चलाता आया है, और उसका वचन है कि वो भरपूरी से चलाता रहेगा भी। हालेलुया। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल होना कभी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का परमेश्वर मेरे साथ है सदा सर्वदा। वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। उसने कहा है इस जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। तू मत घबरा, तू मत डर। तू क्यों डरता है, तू क्यों डरती है, तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों चिंतित है? मैं तेरा बनाने वाला परमेश्वर, मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर, मैं तेरा आशीष देने वाला परमेश्वर तेरे साथ हूँ। मैं तुझे चलाऊंगा। हालेलुया।
इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है। इनको विश्वास का हमें पिता कहा गया है। प्रियो, जब अब्राहम प्रभु के पास आया तब उसके पास बाइबल नहीं था, ना ही उसके पास परमेश्वर के लिखित वचन थे। हालेलुया। ना ही अब्राहम के पास बाइबल था, ना ही कोई वचन था, लेकिन परमेश्वर ने उससे बात किया स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, और परमेश्वर ने उस पर, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, हमारे पास सब कुछ है। आज परमेश्वर ने हर एक चीज हमको लिख लिख कर दिया है। यीशु आज से 2000 साल पहले हमारे लिए इस धरती पर आया, उसके प्रमाण है हमारे पास। क्या आप विश्वास करेंगे अब्राहम की तरह, याकूब की तरह, कि वो हमारे साथ है और वो रहेगा? जिस अब्राहम ने कभी परमेश्वर को देखा नहीं, उसने उस पर विश्वास किया और अद्भुत आशीष पाई। आज हम उस परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि वो आपको चलाएगा, आपकी सारी कभी घटी को पूरी करेगा, आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा? आइए कहिए, दुनिया की नजरों में मैं भले मूर्ख ही जाना जाऊं, लेकिन प्रभु की नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही गिना जाऊं। कई बार हम फिर भी मूर्ख होना के बजाय बुद्धिमान होना पसंद करते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे बल से, मेरे कार्य से, मेरे घर को मैं आगे बढ़ाऊंगा, ऊंचाई पर ले जाऊंगा और मेरे सारी चाहत को मैं पूरा कर दूंगा। पर अगर यीशु आपका प्रभु है तो उसकी उपस्थिति हमारी, हमारा मुकाम है प्यारो। उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे तो सब कुछ पूरा होगा। इस 2021 में वो ही लोग सच में प्रभु के उस महिमा को और अनुग्रह को देखेंगे जो अपने आप को उसकी उपस्थिति में बनाए रखना पसंद करते हैं। कई बार हमारे फैसले ऐसे होंगे, हो सकता है बिजनेस को लेकर या शादी को लेकर या एजुकेशन को लेकर, हम अपनी मर्जी से या तो ऐसे मैच्योर डिसीजन की बात करने लगे। पर प्यारो, यीशु के बगैर कोई मैच्योर है नहीं जो आपको सही निर्णय दे सके आपके अपने जीवन के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने करियर के लिए, बिजनेस के लिए। सो डिपेंड ऑन हिम प्यारो, उसके ऊपर हमें निर्भर रहना है, अपने आप के ऊपर नहीं रहना है प्यारो। वो अब्राहम का परमेश्वर है जो ऊर देश से बाहर लेकर कनान देश तक पहुंचाया और सफलता में बनाए रखा प्यारो। आइए उसकी और अपने समर्पण को रखते हुए इस आराधना में शामिल होंगे। हो सकता है आप, मुझे पता नहीं आप में से कौन लोग इस नए साल में क्या क्या फैसले कर बैठे हो, पर प्रभु की भय में अगर वो फैसले है तो आप आशीषित होंगे, नहीं तो शायद वापिस रोने की बारी आ सकती है। आई डोंट नो मैं क्यों ये बात मेरे जहन में आ रही है, पर बहुत सारे लोगों के लिए रोने का बारी आ सकता है अगर आप उसकी उपस्थिति में, उसकी योजना में अपने जीवन और परिवार को चलाओगे नहीं, फैसले नहीं लोगे तो। आई डोंट नो, पर ये एक प्रोफेटिक वर्ड है जो आप रिसीव कीजिए और उसकी महिमा के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए प्यारो। हो सकता है आपके परिवारजनों की शादी का मामला हो और आप अपने समाज या समुदाय में उन बातों को ढूंढने चले जाए, पर प्यारो परमेश्वर ने जो तय किया है उसकी और दौड़ना और अपने परिवारजनों को भी दौड़ाना उसकी और, वो ही आप धीरज मत खोना, प्रभु आपके लिए पात्रों को भेजेगा जरूर और प्रभु जरूर आशीषित समय आपके जीवन में लाएगा। पर धीरज से बने रहे अब्राहम की माफिक, उसको 25 साल तक वेट करना पड़ा पर उसके जीवन को और उसकी पीढ़ियों को आशीषित परमेश्वर ने किया। रीबासा दुनिया की नजरों में
साथ चलता है और साथ साथ चलेगा भी। हालेलुया। हाँ प्रभु, तू हमेशा मेरे साथ है, तू मेरी अगुवाई करेगा, जहां कहीं गिर जाऊं तू मुझे उठाएगा, तू कांटों पर भी मुझे चलाएगा, अग्नि पर से भी मुझे चलाएगा, लेकिन कांटे मुझे घायल ना करने पाएंगे, अग्नि भी मुझे जलाने नहीं पाएगी, क्योंकि तू अपने धर्मी हाथों से मुझे उठाए रखेगा। मैं विश्वास करता हूँ चारों तरफ से कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन यीशु तू मुझे संभालेगा, तू मुझे चलाएगा। हालेलुया। सच में यीशु अद्भुत परमेश्वर है, वो चलाएगा और भरपूरी में चलाएगा। यीशु के जीवन में आने से हमारी जिंदगी बदल गई है, यीशु के छूने से हमारी जिंदगी सवर गई है। सच में एक बार हमारा जीवन पाप में था, दुखों में था, तकलीफ में था, संसार के सताया हुआ सा जीवन था, लेकिन जब से यीशु हमारे जीवन में आया, उसने हमारे जीवन को बदला है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो यीशु को नहीं जानते, या जानकर भी यीशु क्या कर सकता है विश्वास नहीं किया। उनकी आंखों में आंसू हैं, उनकी आंखों में दुख है, दर्द है, जीवन में किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं है, कोई शांति नहीं है, हर पल चिंता घेरे हुए है। लेकिन यीशु तू मेरे जीवन में आया, तू सबसे बड़ी शांति और आनंद मेरे जीवन में लेके आया, छुटकारे का संदेश लेकर आया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम यीशु को धन्यवाद देते हुए कहेंगे कि तूने मुझे बचाया है, तूने मुझसे प्रेम किया है, तेरा धन्यवाद। जो पापों में डूब
प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। आपको लोग भले ही बोले कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप यीशु की बात पर विश्वास कीजिए। यीशु ने ऐसा प्रेम किया है आपसे कि उसने अपने आप को बलिदान दे दिया। वो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया है। आप विश्वास कीजिए कि आप विश्वास करेंगे उसके प्रेम पर। उसका प्रेम सबसे बड़ा है, वो सबसे छुड़ाने की क्षमता रखता है। हालेलुया।
पर भरोसा करते हैं। तुझ में मुझे शांति मिलती है, तुझ में मुझे नई आशा मिलती है, तुझ में मुझे जीवन मिलता है, तुझ में मुझे सब कुछ मिलता है। आज सुबह मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ, आज सुबह मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। प्रभु मैं यह भरोसा जाहिर करता हूँ कि प्रभु तू मुझे अब तक चलाता आया है और आने वाले समय में भी तू मुझे भरपूरी से चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तू भला परमेश्वर है, तू आशीष देने वाला परमेश्वर है, तू आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है, तू भलाइयों में ले चलने वाला परमेश्वर है। यदि तू मेरे साथ है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि यदि यीशु मेरी ओर है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता, कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मेरी ढाल, मेरा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। आज आप कहेंगे, आज अपने विश्वास को जाहिर कीजिए कि यीशु मेरी ढाल है, यीशु मेरा गढ़ है, यीशु मेरा शरण स्थान है, और यीशु में मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। आज जाहिर कीजिए कि मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं हारा हुआ दुख में आंसुओं में जीवन नहीं जीऊंगा, लेकिन मैं यीशु में हर्ष और आनंद से जीवन जीऊंगा, यीशु में मैं आशीषित जीवन जीऊंगा। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे मध्य में हो, आपके वचन हमेशा हमें उत्साहित करते हैं, आपके वचन हमेशा हमें यह याद दिलाते कि आपने हमारे लिए क्या किया है। हम धन्यवाद करते हैं, आपके वचन हमारी निराशा में आशा है, आपके वचन हमारे सारे आंसुओं को पोंछ डालते हैं। हम धन्यवाद करते, आप हमारे मध्य में हो, हम धन्यवाद करते। हम सारा आदर, मान और महिमा सिर्फ आपको देते हैं, क्योंकि आप ही उसके योग्य हैं, आप ही को सारी महिमा मिले। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में।